हेलो फ्रेंड्स, मथली स्पोर्ट्स अफेयर्स नवंबर 2021 का एक साथ हम जितने भी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स अफेयर्स हुए हैं नवंबर में, वो हम एक साथ लेकर आए हैं। अक्टूबर का ऑलरेडी हमने डाला था और आप लोगों को काफी बढ़िया लगा था। सो वी फेल्ट एनकरेज टू कम अप विद द स्पोर्ट्स अफेयर्स द होल मंथ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स अफेयर्स हम इकट्ठा लेकर आपके पास आए हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका पहला इम्पोर्टेंट न्यूज क्या है। और मैं आपको बता दूं, अभी जो हम लोग कवर करेंगे, जैसे नवंबर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ है वो T20 वर्ल्ड कप का हुआ है। 2020 ओवर का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हुआ है, हम उसके बारे में जानेंगे। साथ में हम देखेंगे कि आर्चरी में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, या फिर बैडमिंटन का, जैसे प्रकाश पादुकोण को, एक लेजेंडरी बैडमिंटन प्लेयर, इनको किन लोगों ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। तो आर्चरी से, फॉर्मूला रेस से, टेबल टेनिस से, बैडमिंटन, टेनिस, ये सारे भी इवेंट्स के बारे में जो नवंबर में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लेकर आए हैं। और देखते हैं हमारा पहला क्या आ रहा है। और पहला न्यूज आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है T20 वर्ल्ड कप, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके ये पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। राइट, एक बहुत बड़ा न्यूज है ये। तो आइए इसके टेकअवेज को भी हम लोग देख लेंगे। टेकअवेज में क्या है, ऑस्ट्रेलिया वन देयर मेडन। अभी मैं पेन लेकर के आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। सो ऑस्ट्रेलिया वन देयर मेडन T20 वर्ल्ड कप, इट्स अ मेडन, सो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया हैज वन एंड दे डिफीटेड न्यूजीलैंड। इनफैक्ट न्यूजीलैंड ऑल्सो हैड अ चांस बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दे एंटर्ड द फाइनल्स। राइट, बट अल्टीमेटली इट्स ऑस्ट्रेलिया दैट वन द टूर्नामेंट। नाउ मिचेल मार्श, ही वॉज नेम्ड द प्लेयर ऑफ द मैच। मिचेल मार्श फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही वॉज नेम्ड द प्लेयर ऑफ द मैच। नाउ कुछ आईसीसी के बारे में भी हम जान लें। ये आईसीसी वर्ल्ड कप जो हुआ है अभी 2021 का T20, उसके बारे में जान लें। ये दुबई में खेला गया। और द इवेंट विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया, पहले इंडिया में होने वाला था, इट वॉज शिफ्टेड टू UAE एंड ओमान ड्यू टू COVID-19। सो द रीजन वॉज COVID-19 वाई इट वॉज हेल्ड इन अ डिफरेंट कंट्री, अदरवाइज इट वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन इंडिया। राइट, अब एक और टेक अवे यहाँ पे, इंडिया वन इन 2017 द फर्स्ट ICC, तो पहला ICC वर्ल्ड कप जो हुआ था T20 का, उसे इंडिया ने जीता था, धोनी की कैप्टनशिप थी। नाउ वेस्ट इंडीज हैज वन इट फॉर द टू टाइम्स, तो सबसे ज्यादा बार वेस्ट इंडीज ने जीता है, दो बार, 2012 और 2016 में। राइट, अगला न्यूज आ रहा है, ये भी क्रिकेट की तरफ, क्रिकेट से ही रिलेटेड है। ये नवंबर में ये न्यूज आया कि विमेन क्रिकेट को पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में इंक्लूड किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का, यानी अगले साल कहाँ होने वाला है, बिर्मिंघम, ये भी अपने आप में एक मेजर पॉइंट है, याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स बिर्मिंघम में होने वाला है 2022 में। बिर्मिंघम कहाँ पर है, ये UK में है। राइट, तो ये पहली बार विमेन क्रिकेट वहां पर इंक्लूड किया गया है। टेक अवे क्या है, विमेन्स क्रिकेट इज मेकिंग इट्स डेब्यू इन द कॉमनवेल्थ गेम विथ द T20 फॉर्मेट। T20 फॉर्मेट के साथ ये एंटर कर रहा है। तो अगला फिर क्रिकेट से ही न्यूज है, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, एक बहुत ही मेजर ट्रॉफी है इंडिया का, वो किस स्टेट ने जीता है, तो याद रखिए तमिलनाडु ने जीता है एंड दे डिफीटेड कर्नाटका, सो तमिलनाडु ने जीता है। टेक अवेज है यहाँ पे, इन क्रिकेट तमिलनाडु हैज लिफ्टेड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी डिफीटिंग कर्नाटका। दिस इज द थर्ड टाइम दैट तमिलनाडु हैज वन द सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट। राइट, अगला जो न्यूज आ रहा है वो है टेनिस में। सो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ही बीट डैनियल मेडवेडेव टू विन ATP फाइनल्स टाइटल। ठीक है, ATP फाइनल्स टाइटल जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। नाउ टेक अवे क्या है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ऑफ जर्मनी, तो ये जर्मन प्लेयर है, जर्मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ही बीट वर्ल्ड नंबर टू डैनियल मेडवेडेव ऑफ रशिया टू क्लिंच द 2021 ATP फाइनल्स टाइटल हेल्ड इन ट्यूरिन इन इटली। इटली में ये टूर्नामेंट हुआ और वहां पर जीते हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जो कि जर्मनी के हैं। अगला न्यूज है आपको एशियन यूथ गेम्स से,
वेन्यू ऑफ द 2025 एशियन यूथ गेम्स ये अनाउंस हुआ है कि कहां पर होने वाला है 2025 का, तो ये होने वाला है ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। नाउ यहां टेकअवे क्या है, द एशियन यूथ गेम्स 2025 विल बी होस्टेड इन ताशकंद द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। फॉर द फर्स्ट टाइम एशियन यूथ गेम्स 2025 एंड एशियन यूथ पारा गेम्स 2025, तो मैं पारा गेम्स यहीं पर होगा और जनरल जो गेम होता है वो भी यहीं पर होगा, एशियन यूथ गेम्स कहाँ पे, तो ये होगा उज्बेकिस्तान में 2025 में। नाउ एशियन पैरालंपिक कमेटी हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये दुबई में है, यूएई में। एक और यहाँ पे टेकअवे है, द गेम्स हैज बीन ऑर्गेनाइज बाई ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, द गेम्स आर डिस्क्राइब्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट आफ्टर द एशियन गेम्स। ओके, इट अकर्स एवरी फोर इयर्स, नेक्स्ट है 22 में, कहाँ होने वाला है, शांताओ चाइना में अगले साल होने वाला है, और उसके बाद वाला 2025 का जो होगा वो उज्बेकिस्तान में होगा। ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे, राइट। शांताओ में 2021 यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि 2021 में होने वाला था लेकिन अगले साल के लिए शिफ्ट हो गया, ठीक है, शांताओ चाइना में। नाउ उसके बाद वाला तो मैंने बता दिया कहाँ होने वाला है। नाउ फॉर्मूला वन रेस में क्या होता है, कतर ग्रांप्री में कौन जीता, ठीक है, कतर फॉर्मूला वन रेस में ये जीते हैं लुई हैमिल्टन, कौन जीते हैं, ये जीते हैं लुई हैमिल्टन, राइट, ये उनका फोटो है, राइट। टेकअवे में यहाँ पे है लुई हैमिल्टन जो मर्सिडीज को चलाते हैं, हैज वन द 2021 फॉर्मूला वन कतर ग्रांड प्री, मैक्स वर्स्टापेन जो रेडबुल चलाते हैं ये वो जो कि नीदरलैंड के हैं, और ये याद रखिएगा लुई हैमिल्टन ग्रेट ब्रिटेन के हैं, राइट। तो यहां पर मैं बता रहा था मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल चलाते हैं नीदरलैंड के, वो सेकेंड हुए हैं, जबकि फर्नांडो अलोंसो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर आए, राइट। अगला इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है नवंबर 2021 में और वो है बैडमिंटन का, और इसमें कौन जीता है, ये इंडोनेशियन मास्टर्स टूर्नामेंट हुआ, इंडोनेशियन मास्टर्स टूर्नामेंट होता है और इसमें जीते कौन है, मेन सेक्शन में और विमेन सेक्शन में कौन जीते हैं, चेहरे से पहचानना आपके लिए तो थोड़ा मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है। आइए इनका नाम पढ़ लेते और देख लेते टेकअवेज में क्या है। तो टेकअवेज में आप केंटो मोमोटा ये वाले हैं, केंटो मोमोटा ऑफ जापान, राइट। तो केंटो मोमोटा ऑफ जापान ये जीते हैं मेन सेक्शन में, मेन सिंगल्स में, जो कि 2021 इंडोनेशियन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है, और विमेन सिंगल्स में जीती हैं सियोंग ऑफ साउथ कोरिया ये है सियोंग, और ये है मोमोटा, सियोंग एंड मोमोटा, राइट। तो इन लोगों ने जीता है 2021 इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है आर्चरी से रिलेटेड, इंडिया ने बहुत सारे मेडल जीत लिए हैं 2021 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में, जो कि हुआ है ढाका में, ढाका यानी बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, यहां पर हुआ है और इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं। आइए और डिटेल समझ लेते हैं इसका। तो और मेजर पॉइंट्स में यहां पे मेजर टेकअवेज में है 2021 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन ढाका विच इज इन बांग्लादेश, राइट। द इंडियन आर्चर्स बैग 7 मेडल्स इन्होंने जीता है एट द कॉम्पिटिशन टू ऑक्यूपाई सेकेंड प्लेस, 7 जीत करके भी सेकेंड प्लेस पर ही आए हैं ये ऑन द मेडल टेबल। दिस इंक्लूड्स 1 गोल्ड मिला है इनको, 4 सिल्वर मेडल मिला है, 2 ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ओके। साउथ कोरिया नंबर 1 रहा है 15 मेडल्स के साथ, टोटल 15 मेडल्स के साथ, और इंडिया को कितने मिले हैं, इंडिया को मिले हैं 7 मेडल्स, राइट। ये था एशियन आर्चरी चैंपियनशिप। नाउ यहां तक मेजर पॉइंट्स आप समझ गए, अगला देखते हैं किस खेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का है नवंबर का। तो यहां पर आता है एक फोटो, अगर आप इन्हें पहचानते हो, ये प्रकाश पादुकोण है, इनकी बेटी एक सुपर डुपर हीरोइन है हमारे फिल्म वर्ल्ड की, दीपिका पादुकोण है, उनके फादर है। नाउ BWF gives
प्रकाश पादुकोण ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके, तो अब इसका डिटेल हम समझ लेते हैं। इंडियन बैडमिंटन लीजेंड प्रकाश पादुकोण हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टीजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल जो है, उन्होंने प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, राइट? ये 1983 में इन्होंने पहली बार कोई इंडियन जीता था, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीता था जो कि हुआ था कोपेनहेगन में, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और अब आता है, एक प्लेयर रिटायर कर गया साउथ अफ्रीका का, और इंडियंस तो इन्हें बहुत प्यार करते थे क्योंकि क्या जबरदस्त बैटिंग, क्या जबरदस्त क्रिकेटर भी है। नाउ द फॉर्मर बहुत मिस करेंगे, क्रिकेट वर्ल्ड बहुत मिस करेगा इस प्लेयर को। नाउ फॉर्मर साउथ अफ्रीकन स्किपर एबी डिविलियर्स हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इंक्लूडिंग फ्रॉम द इंडियन प्रीमियर लीग। सो IPL भी इन्होंने छोड़ दिया। ही प्लेड फॉर द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो कि IPL फ्रेंचाइजी है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते थे। और जब से उस टीम को इन्होंने ज्वाइन किया था तब से लेके अब तक इन्होंने चेंज नहीं किया और उसी टीम के साथ ये खेलते रहे थे, राइट? नाउ टेकअवेज में है, फॉर्मर साउथ अफ्रीकन कैप्टन एबी डिविलियर्स हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इन नवंबर 19, 2021। ही हैड ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन 2018 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। अब इन्होंने IPL को भी त्याग दिया, राइट? तो ये यहाँ पर ये देखिए लास्ट में लिखा ना, 2011 से जब से इन्होंने RCB ज्वाइन किया तब से RCB को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, इनका पूरा नाम था, शॉर्ट में हम एबी डिविलियर्स के नाम से जानते हैं, इज अ फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रोफेशनल क्रिकेट। ही होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100 एंड फास्टेस्ट 150 इन ODI क्रिकेट, वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड ही इज द ओनली बैट्समैन एबल टू एवरेज अबव 50 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ अबव 100। ग्रेट अचीवमेंट। अब आता है टेनिस से रिलेटेड एक न्यूज आता है आपके पास, वो है अलेक्जेंडर ज़वेरेव, ही हैज वन द वियना टेनिस ओपन 2021। वियना टेनिस भी ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, और यहाँ एक ओपन टेनिस टूर्नामेंट होता है, बहुत प्रेस्टीजियस है। इसको फिर अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता जो कि जर्मनी के हैं, राइट? टेक अवे में देख लेते हैं, अलेक्जेंडर शशा, ओके, इनका कोई निकनेम है शशा ज़वेरेव, अ जर्मन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, वन द 5th ATP टाइटल ऑफ द सीजन 2021 एट द वियना ओपन 2021, राइट? एट प्रेजेंट अलेक्जेंडर ज़वेरेव इज रैंक थर्ड इन द ATP वर्ल्ड रैंकिंग, राइट? नेक्स्ट टेनिस से एक और आता है, यहाँ पे न्यूज है आपको, स्पेन के गैब्रिल मुगुरुजा जो स्पेन के हैं, इन्होंने जीता है 2021 का वर्ल्ड TA फाइनल्स। टेक अवे में देख लेते हैं, गैब्रिल मुगुरुजा ऑफ स्पेन बीट, ओके, एंड ऑल्सो द फर्स्ट स्पेनियर, शी इज द फर्स्ट स्पेनियर टू विन द WTA फाइनल, राइट? नाउ नेक्स्ट आता है, देखिए योगासना को अब भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि नेशनल लेवल पर और हो सके तो ओलंपिक में इसको इंक्लूड किया जाए, क्योंकि इनका ये मानना है शायद कि सिंक्रोनाइज स्विमिंग अगर ओलंपिक का इवेंट हो सकता है तो योगासना क्यों नहीं हो सकता। और यहाँ पर न्यूज आ रहा है आपको, इंडिया फर्स्ट नेशनल योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सेटअप इन भुवनेश्वर, ठीक है, स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ये भुवनेश्वर में, ये देखिए सारा न्यूज यहाँ पर आ रहा है आपको। टेकअवेज में देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट फिजिकल नेशनल योगासना चैंपियनशिप हैज बीन ऑर्गेनाइज इन भुवनेश्वर उड़ीसा फ्रॉम नवंबर 11 to 13। द नेशनल योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 हैज बीन ऑर्गेनाइज बाय नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन इन एसोसिएशन विद द उड़ीसा स्टेट, राइट? उड़ीसा में पहली बार ये ऑर्गेनाइज किया गया और भारत सरकार जोर शोरों से लगी हुई है कि इसकी पहचान बने और ये वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल एरिना में इसको जगह मिले। अगला न्यूज मनु भाकर को रिलेटेड है, काफी तगड़ी ये शूटर है, काफी अच्छा स्किल्स है इनका। इंडिया बैग 5 मेडल्स इन द इनॉग्रल शूटिंग ISSF प्रेसिडेंट्स कप, और देखते हैं इसके साथ न्यूज और क्या है।
इंडिया फिनिश्ड द इनॉग्रल ISSF प्रेसिडेंट्स कप विद 5 मेडल्स इंक्लूडिंग 2 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज द इनविटेशन ओनली सॉरी द इनविटेशन ओनली टूर्नामेंट वॉज हेल्ड एट रोकलो इन पोलैंड, ये पोलैंड में हुआ और इसमें टॉप 12 शूटर्स को बुलाया गया और इसमें भारत की मनु भाकर, ये देखिए ये मनु भाकर है, इनके अचीवमेंट बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़े हैं और इन्होंने रिसेंटली वैसे टोक्यो ओलंपिक्स में तो नहीं जीता, इनकी मेडल नहीं ला पाई, लेकिन आप बहुत अच्छे से नज़र रख सकते हैं इनका अगला ओलंपिक जो आने वाला है पेरिस में होगा 2024 में, ज़्यादा दिन भी नहीं है और ये बहुत यंग है, बहुत अच्छा ये स्पोर्ट्स में इनका स्किल्स है। अगला नवंबर में क्या न्यूज आता है, न्यूज आता है यहाँ पे किक बॉक्सिंग को लेकर के, किक बॉक्सिंग इंडिया के तजामुल इस्लाम, ये रहे तजामुल इस्लाम और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन द वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अब देखते हैं कहाँ हुआ है और ये कौन है, ये 13 ईयर्स ओल्ड है, तजामुल इस्लाम इज द फर्स्ट कश्मीरी गर्ल, कश्मीर से है, पहली कश्मीरी गर्ल टू हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड वन द गोल्ड मेडल इन द अंडर 14 एज कैटेगरी इन द वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और ये कहां पर हुआ है, ये हुआ है कायरो में यानी इजिप्ट में, राइट। नेक्स्ट न्यूज आता है टेबल टेनिस से रिलेटेड और फिर इंडिया का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है, मनिका बत्रा एंड अर्चना कामत, मनिका बत्रा एंड अर्चना कामत दे क्लिंच वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट, राइट। यहाँ पे टेक अवेज में देख लेते हैं, इन टेबल टेनिस इंडियन ड्यूओ मनिका बत्रा एंड अर्चना गिरीश कामत दे क्लिंच द वीमेन्स डबल्स टाइटल इन द वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट विच वॉज हेल्ड इन स्लोवेनिया, लास्को स्लोवेनिया में यह टूर्नामेंट हुआ। अगला आता है टाटा कंसल्टेंसी यानी टाटा ने जगुआर के साथ टाइप किया है और ये फॉर्मूला रेस में अब ये इनका रिप्रेजेंटेशन होगा और देखते हैं इसके बारे में न्यूज है क्या। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS एज ज्वाइंट ब्रिटिश रेसिंग टीम जगुआर रेसिंग के साथ इन्होंने टाइप किया है एज द टाइटल पार्टनर, ओके, अहेड ऑफ द 2021-22 के जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होंगे उसके लिए इन्होंने टाइप किया है जगुआर से। द टीम विल बी नोन एज जगुआर TCS रेसिंग, राइट, जगुआर TCS रेसिंग के नाम से जाना जाएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ। अगला न्यूज आता है जिसमें कि MCC मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का लाइफ टाइम मेंबरशिप दिया गया इंडिया के 2 स्पोर्ट्स पर्सन को, ये पहचानते हुए हरभजन सिंह है, ये जवगल श्रीनाथ है जो कि फास्ट बॉलर हुआ करते थे और अभी तो ये एज अ इंटरनेशनल रेफरी के रूप में भी इनको काम ये करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या न्यूज आया है नवंबर में। द मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC हैज रिलीज्ड द लिस्ट ऑफ 18 क्रिकेटर्स हु वाज सिलेक्टेड फॉर द MCC अवार्ड ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप ऑफ द क्लब। तो ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप बहुत बड़ा, ये काफी प्रेस्टीजियस माना जाता है, ये जिसको भी ये मेंबरशिप देता है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। तो इंडिया से 2 प्लेयर को रिसेंटली दिया गया, ये हरभजन सिंह और दूसरे हैं ये जवगल श्रीनाथ। हरभजन सिंह स्पिनर, जवगल श्रीनाथ एक फास्ट बॉलर है, राइट। तो नवंबर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज सब हम आपको हमने बता दिया कि T20 वर्ल्ड कप में कहाँ हुआ, कौन जीता, साथ में आप जान पाए प्रकाश पादुकोण ने क्या अचीवमेंट किया, MCC क्रिकेट क्लब ने भारत के किन 2 प्लेयर को लाइफ टाइम मेंबरशिप दिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।